भारत में हमेशा से ही कई ऐसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने न केवल युद्ध शैली से सबका दिल जीता है, बल्कि राज परंपरा से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन और राजा भोज जैसे न जाने कितने ही ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने इतिहास को न केवल बदल दिया बल्कि उसमें अपनी एक अलग छाप भी छोड़ दी। इसी कड़ी में एक नाम आता है दक्षिण भारत के एक राजा का। इस राजा का नाम है कृष्णदेव राय। यह वह राजा है जिनकी सोच का कायल अकबर भी था। तो आइए जानते हैं कृष्णदेव राय के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम समय उसकी गलत नीतियों की वजह से पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी। इसका दक्षिण के राजाओं ने खूब फायदा उठाया। उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसी दौरान हरिहर और बुक्का ने 1333 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे। महान राजा कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 में कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। उनके पिता थे तुलुव नरस नायक। उनके पिता सालू वंश के एक सेनानायक थे। नरस नायक सालू वंश के दूसरे और अंतिम शासक इमाडी नरसिंह के संरक्षक थे। अल्पायु इमाडी नरसिंह को कैदी बनाकर उनके पिता ने 1491 में विजयनगर की बागडोर ले ली। पिता के राजा बनते ही कृष्णदेव राय की किस्मत बदल गई। पल भर में उनकी जिंदगी एक सेनानायक के बेटे से राजा के बेटे में बदल गई। उनके पास सारी सुविधाएं आ गई। वह एक आलीशान जिंदगी व्यतीत करने लगे। हालांकि तभी उन पर बुरी किस्मत के बादल मंडराने लगे। उनके पिता को राज संभाले अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद राज्य बिखरने लगा। ऐसी स्थिति में कृष्णदेव के बड़े भाई ने उन्हें राज्य की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेते ही उन्होंने राज्य में फैले विद्रोह को शांत किया और अपने राज्य की सीमा को मजबूत किया। वह बहुत ही शांति और सूझबूझ से अपने फैसले लेते थे। वे कभी भी अपना हित नहीं देखते थे। वह हमेशा एक बीच का रास्ता निकालते थे ताकि हर किसी का भला हो सके। यह भी एक कारण माना जाता है कृष्णदेव को एक महान राजा मानने का। उन्होंने उस समय अपने राज्य को संभाला जब वह पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। जो काम नामुमकिन सा लग रहा था उसे उन्होंने पूरा करके दिखा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना शासन शुरू किया। कृष्णदेव राय जानते थे अगर उन्हें अपने राज्य को खुशहाल बनाना है तो उन्हें प्रजा तक पहुंच रखनी होगी। इसके लिए उन्होंने एक अनूठी पहल शुरू की। उन्होंने अवंतिका जनपद के महान राजा विक्रमादित्य के नवरत्न रखने की परंपरा से प्रभावित होकर अष्ट दिग्गज की स्थापना की। यह अष्ट दिग्गज पूरी तरह से राजा कृष्णदेव के अधीन थे। उनका काम था कि राज्य को सुखी बनाए रखने के लिए राजा को सलाह दे। बात दुश्मनों की हो, जंग की हो या फिर प्रजा की खुशी की, कृष्णदेव के यह अष्ट दिग्गज उन्हें हर चीज की सलाह देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में अष्ट दिग्गज बदलकर नवरत्न कर दिए गए थे। इस समिति में बाद में तेनालीराम को भी शामिल कर लिया गया था। उन्हें कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी माना जाता था। उनकी सलाह और बुद्धिमता की वजह से कई बार राज्य को आक्रमणकारियों से निजात मिली। वहीं दरबार में उनकी मौजूदगी से राज्य में कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। ये कहने में कोई शक नहीं है कि वो विजयनगर साम्राज्य के चाणक्य थे। एक अच्छे राजा की हर निशानी कृष्णदेव राय में मौजूद थी। सेनानायक के पुत्र होने की वजह से उन्हें युद्ध की अच्छे से समझ थी। इसी वजह से उन्हें जंग में हराना काफ़ी मुश्किल काम था। माना जाता है कि अपने 21 वर्ष के शासनकाल के दौरान उन्होंने 14 युद्ध लड़े। इस दौरान उन्होंने सभी युद्धों में जीत हासिल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तक बता दिया था। कृष्णदेव राय के शासन में हर कोई उनसे प्रभावित था।
फिर चाहे वह दोस्त हो या फिर दुश्मन। कृष्णदेव राय न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तामाल्यद या विषुववृत्ति की रचना की। ये बेहद हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन उनकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। तेलुगु के अलावा कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवंती कल्याण को भी लिखा था। तो यह थे राजा कृष्णदेव राय। इन्हें लोग इनके तेज दिमाग के लिए जानते हैं। उन्होंने हर उस चीज को अपनाया जिसके जरिए उनका राज्य खुशहाल रहे। यही कारण है कि इतिहास में कृष्णदेव राय का नाम दर्ज है। दोस्तों, कृष्णदेव राय के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।